हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कज़न की शादी थी, सो उसमें मैं बिज़ी थी, पर मैं वापस आ गई हूँ। तो यहाँ मैं अपनी कज़न के घर ही जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए फिर आपको भी साथ लेके चलते। गाइस, यहाँ पे ये जो मेरी कज़न है, इसने मुझे ये गिफ्ट दिया है एंड आई एम सो एक्साइटेड। आप लोगों को पता नहीं कि ब्लैक कलर मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। और इसने थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारी ओवर एक्टिंग है थोड़ी सी, पर इट्स सो प्रिटी। अब जब मैं इसको स्टाइल करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट थैंक्स अ लॉट, बाय प्रीशियस कजन। सो मेरी कज़न ने गिफ्ट दिया था, इट्स सो स्वीट ऑफ हर। सो यहाँ पे इनके घर के बाहर का व्यू कोई कमाल का लगता है मुझे, और यहाँ पे वीडियोस भी बहुत अच्छी बनती हैं। ये जो विंडो है, यहाँ से बहुत ही कमाल का व्यू आता है, और मैं बस इसी व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। सो हम फिर से इधर आ गए हैं, ये देखें इधर। मुझे तो उसने कैप्चर ही नहीं करने देना कुछ, मैं कर रही थी और दरवाजे बंद कर रही थी। खैर, अब हम ऊपर की जानिब रवाना हो रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत रोल है, हम अपना रोला डालेंगे। है ना भाई, सही बात है ना? Yes. और ये परिंदे ऊपर शिफ्ट हो गए, पिछली बार तो नीचे थे। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है। और बस अब हम रूम में आ रहे हैं, और इस रूम से तो आप वाकिफ ही होंगे। ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट कलर की बेडशीट बिछाई है इसने। ये कलर इतना पसंद है ना मुझे कि बस। आए आप लोगों को टेरेस दिखाते हैं। हाँ, आए आपको टेरेस दिखाते हैं। ओके। ये सात तला फ्लैट है, बट ये अभी बन रहा है। रात को यहाँ बहुत डर लगता है क्योंकि ना खाली है। और ये रही प्यारी सी कम्युनिटी। ओह माय गॉड, वाओ, प्यारी सी। यहाँ से आप लोग बाहर निकलेंगे तो एक अलग ही दुनिया, और अंदर आएंगे तो एक अलग ही दुनिया। यहाँ आते साथ, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो हमने कुछ हल्का फुल्का खाया, केक चाय वगैरह, एंड दैट्स इट। हाँ, पे इस बंदी ने मुझे अभी कोक दी है। किस किस को कोक पसंद है? कौन सी फेवरेट बोतल है कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी फेवरेट लेमन माल्टा, ठीक है, आपकी कौन सी है कमेंट्स में जरूर मेरी बताएं। मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी और पीच माल्टा। ओके, और अभी मैं इसको लेंस लगाना सिखाऊंगी। तो हम ऊपर जा रहे हैं लेंस लगाना सीखने। फोंटा भी ये बंदी ना मुझे बोलना नहीं देगी। चलिए ऊपर चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। नहीं, ये देख ऐसे होने चाहिए दोस्त। देखिए, हर बात का ख्याल होता है, बुरा तो नहीं बनाया। देखे, वाओ, दैट वाज अमेजिंग। जो दोस्त ऐसे ना, उनको दफा कराएं अपने लाइफ से। हम फिर से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपका डबल पोर्शन है ना, और आपका ऊपर वाला कमरा है, तो आपकी बहुत एक्सरसाइज होती होगी। कौन कौन इस बात से रिलेट करता है मुझे जरूर बताइएगा। मैंने लेंस लगाना सिखा दी है। इस जूते के डिब्बे को इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता शादी आ रही है। अगर मैं कैप्चर कर पाई शादी के कुछ सीन्स, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। बट सो यहाँ पे हमारा टीचर सिस्टम शुरू हो गया, और ये वो चीज़ है जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ घर जाके, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। ये बालकनी को मैं बहुत मिस करती हूँ। इस हमारा डीजे सिस्टम है, बहुत मिस करती हूँ। ओके, आप देखें इस लड़की को, स्ट्रेंजर थिंग्स से इतना प्यार है कि ये देखें। में जब मैं फारिग होती हूँ तो ये करती हूँ, ये करती है, ये मतलब कि अभी भी हम क्विज पूरी कास्ट थिंग्स का क्विज। आप लोगों को कौन सी सीरीज पसंद है कमेंट्स में जरूर बताएं। कॉपीराइट स्ट्राइक देनी है तुमने मुझे। कौन सी सीरीज पसंद है कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत पसंद है, बहुत 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 ज्यादा। और ये तो पागल है, वो तो आपको पता ही चल रहा है इसकी ये डायरी देख के।
सो यहाँ पे हम खाना खाने लगे थे, चिकन कोरमा था, सैलड थी और मज़े के चावल थे, बहुत इंजॉय किया था। और अनफॉर्चुनेटली शादी के मैं कितने सीन कैप्चर नहीं कर पाई, थोड़े बहुत किए हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे। सो गाइस अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम मेरे घर जा रहे हैं वापस ऑरेंज ट्रेन पे, आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे। और ये मुझे टिश्यू चाहिए, फ्लू वेदर चेंज हर किसी को होता है। तो हम बस अब रेडी होंगे, खाना खुना हमने खा लिया है और खाना खुना खा के बस अब हम वापस जाएंगे मेरे घर, और ये भी आएगी मेरे साथ। अभी तो हम छत पे जा रहे हैं। हाँ चलो सबसे ऊपर वाली छत पे चलते हैं। चल 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 छत पे आपको भी लेके चलते हैं। चलें छत पे चलें हमारे साथ। खुल जा सिम सिम। ये तो तुमने बेइज्जती कर दी। ओ माय गॉड इतनी धूप। ये ऊपर वाली छत पे जा रही है, वैसे मैं पिछली बार इस छत पे नहीं गई। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से कैसा व्यू है, कुछ इस तरह। और ये मुझे भी ऊपर बुला रही है और मुझे डर लगता है, जो लिटरली बात है, हाइट फोबिया, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है यार। तुम कैसे ऊपर चली गई हो, मतलब मैं तो, मुझे डर लगता है। अब मैं आपकी हेल्प करती हूं आगे। यार मुझे वाकई बहुत डर लगता है। नहीं हुआ, मैं भी पहले फर्स्ट टाइम बहुत डर रही थी। ओह माय गॉड ये मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं आता। One eternity later. फाइनली मैं आ गई हूँ एंड ट्रस्ट में मेरी जो धड़कने तेज हुई यहाँ ऊपर आते हुए इस बंदी की मदद से, वरना मुझे हाइट फोबिया गाइस, मैं ऊंचाई से मुझे डर लगता है चढ़ते हुए भी। बट यहाँ का व्यू यार, मतलब मज़ा आ गया ऊपर, इतनी हाइट पे हवा भी बहुत अच्छी आती है और मज़ा भी आता है, यहाँ से सब नज़र आ रहा है। और मैं इस तरह की सीढ़ी से आई हूँ, लिटरली ये सीढ़ी, यहाँ से मुझे उतरना, मुझे सोच के कुछ हो रहा है, इस लड़की की मदद के बगैर तो मैं उतर नहीं सकती। कांटा लगे और मुझे टोनी काकर का गाना याद आ गया। गा नहीं सकती, कॉपीराइट स्ट्राइक का। मुझे बहुत डर लगता है इन डॉगी से, और ये यहाँ पे फिर रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतने डरपोक बन रही है। आ गया, अभी हम रिक्शे का वेट कर रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। नहीं आ रही। किसी ने जिंदगी रिक्शे में सफर किया गाइस? यार गाइस ये नॉर्मल बात है, ठीक है, सब करते बहुत कम गाइस। यहाँ पे ना हमारे साथ एक बहुत ही घटिया तरीन लोग हैं यहाँ पे गाइस, आपको भी मिलना चाहिए उनसे आगे, पता नहीं क्या मिलता है छेड़ के पूंडी का। हेट इट हेट इट। अभी हम ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे है और हम बस जाने लगे हैं। गाइस हमारी पूंडी हो रही है, हमारे घर वाले सेम ले। Ha 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 ha
खैर भी इट आई एम जस्ट किडिंग, पर क्या मिलता है पूंडी करके आई डोंट नो। दिस इज द मिरर। हाँ थैंक यू आपका बताने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था। ये जो लड़की है इसके साथ पिछली बार सीन हो गया था, बताएंगे आप जरा क्या हुआ था? वो हम जा रहे थे, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑरेंज ट्रेन का, तो नहीं नहीं तो नहीं मानी थी, काफ़ी देर हो गई थी। तो हम क्या कहते हैं शालीमार गार्डन वाले स्टेशन पे मैं उतरी, और वो वाली सीढ़ी दिखाओ पिछली, वो वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना, उन सीढ़ियों से मैं बड़ी बुरी तरह गिर गई थी और नीचे बड़ी मुश्किल से आई थी, लड़खड़ाने लग गई थी और मैं अंदर भी नहीं जा सकी थी। फिर रिक्शा लेके वापस घर जाना पड़ा था, हालांकि हम ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे थे, फिर भी घर जाना पड़ा था। सेकंड सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए तैयार हैं हम। बाय द वे ये हमारा व्यू है, यार ये सनसेट देखो, वाओ क्या प्यारा सनसेट हो रहा है। यहाँ पे हम घर आ चुके हैं, मेरे मतलब कोई प्लान नहीं था, मैं भी हूँ। हाँ कोई प्लान नहीं था लेकिन बहुत ही अनप्लान्ड सा सीन रहा है आज, क्योंकि कोई प्लान नहीं था घर आने का, नहीं घर आने का। सॉरी 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 गाइस, जो है कोई प्लान नहीं था कि यानी कि ये भी मेरे साथ घर रहेगी, ये मेरा मतलब था, मैं इधर उधर निकल जाती हूँ जरा। तो गाइस यहाँ पे हम ये पेट पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और ये मेरी फेवरेट कैचअप, अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं की तो प्लीज ट्राई करें। क्या कर रहे हैं आप लोग, निकल के ट्राई करें। ग्रीन टीम में क्या रेड टीम में बताए मुझे, और सरप्राइज ग्रीन टीम। सो यहाँ गाइस हम ओनो खेल रहे हैं, और ये मेरे कार्ड्स हैं। शश चार बंदे। यहाँ पे मेरा व्लॉग आज का एंड होता है, और इस बच्चे का कुछ नहीं पता के हम कब से व्लॉग शूट कर रहे हैं। सो ये था आज का दिन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है सो प्लीज 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 जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लड़की में बहुत हंसी आ रही है, आई डोंट नो क्या बात है, पर अल्लाह हाफिज़।